क्वेश्चन पेपर आप जो देख रहे हैं ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और 18 जून 2024 को आप सभी का एग्जाम है, जैसा कि आप सबको मालूम भी है। और कल मैंने आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 100 तक के प्रश्नों को मैंने आप लोगों से सॉल्व करवाया था और आप सभी लोगों ने इसका जवाब भी दिया था। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ऑप्शन था ना, ए और बी और डी था। ये केवल नहीं होता, कार्य विवरण प्रणाली नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट था। ये हम लोगों ने कल देखा था, है कि नहीं? आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर लेंगे 101। शुरुआत किया जाए तो एक बार स्पष्ट करिए आप सभी लोग, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जी सर। यस सर। चलिए ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, मेन मेन चीजें हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे हम सभी लोग। सवाल आपके सामने प्रस्तुत है 101 नंबर पर, कहता है कि सामाजिक सुरक्षा की आधुनिक संकल्पना की इमारत निम्न में से किस प्रकार के विचारों पर बनी है। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, सोशल सिक्योरिटी के आधार पे कहा है कि बिल्डअप करना है हमें कि वो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज, आपके विचार पर। देखो ये सवाल ऑलरेडी तर्क पर आधारित है। संकल्पना की इमारत निम्न में से किस प्रकार के विचारों पर बनी हुई है, जो सामाजिक सुरक्षा, और वो भी आधुनिक संकल्पना। यदि आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों का जवाब भी दे पाएंगे। तो पहला ऑप्शन आपसे कहता है, समाज के संरक्षण हेतु प्राश्चित दंड से अधिक का सरोकार। कहने का मतलब आपके सामने कि कंसर्न्स का मतलब एक प्रकार का कहीं ना कहीं संरक्षण की बात, जहां रिलेट हो रहा है समाज के आधार पर, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। और यहां कहा है कि पेशेंस इज मोर देन पनिशमेंट, है ना। क्या आप इस बात से सहमत हैं सभी लोग, इस पॉइंट से या इस ऑप्शन से, कि आधुनिक संकल्पना में सामाजिक सुरक्षा की यह बात कही गई है कि समाज के संरक्षण हेतु प्राश्चित दंड से अधिक सरोकार। जानना जरूरी है, अत्यंत इंपॉर्टेंट है कि ये जो शब्द एक लिखा हुआ है यहाँ पे प्राश्चित करके, सर नहीं है, इसका मतलब जानना अत्यंत आवश्यक है। ये ना हिंदू धर्म में प्राश्चित शास्त्रानुसार विहित वह कार्य है जिसके करने से मनुष्य के पाप छूट जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए कि कार्यक्रम या अनुष्ठान के द्वारा किए हुए पाप का निश्चित रूप से शोधन हो, ठीक है, अनुष्ठान के द्वारा, कार्यक्रम के द्वारा किए हुए पाप का निश्चित रूप से शोधन हो, उसे ही प्राश्चित कहते हैं। तो प्राश्चित दंड से अधिक सरोकार हो सकता है। अच्छा, ये मुझे इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, प्लीज। सर लग रहा है सही हो सकता है। सही है सर, मॉडर्न सोसाइटी में तो नहीं लग रहा है ये, मॉडर्न उसके परिप्रेक्ष्य से। देखिए, आपके द्वारा या किसी द्वारा, किसी और के द्वारा की गई गलती के लिए सुधार करना या प्राश्चित करना, क्या ये आज के समय में ऐसा नहीं है? एक सोशल सुरक्षा के लिए या सामाजिक सुरक्षा के लिए आधुनिक संकल्पना में क्या इस बात से समाज की संरक्षण के लिए किसी के द्वारा की गई गलती के लिए सुधार करना या प्राश्चित करना ये क्रिया संचालित नहीं होती है क्या? सुधार करने का मतलब ये प्राश्चित दंड का, भाई देखो इतना समाज इतना वो नहीं हो गया है निर्दयी कि आप उसके संकल्पना पे प्राश्चित ना करें। प्राश्चित दंड से अधिक का सरोकार करना समाज के संरक्षण हेतु प्रक्रिया संचालित है या आधुनिक संकल्पना में इन्वॉल्व है? और मैं आपसे कहूंगा कि पहला पॉइंट सत्य है, प्राश्चित लिखा है यहाँ पे, और प्राश्चित का मतलब यही है कि आपके द्वारा या किसी और के द्वारा की गई गलती के लिए सुधार है या सुधार ही कर लो या प्राश्चित कर लो, बात एक ही है। सुधार से अधिक का सरोकार करना, वहां प्राश्चित दंड लिखा हुआ है। इसी जगह अगर मैं आपको सुधार लिख दूं तो वह प्रक्रिया बेसिकली संचालित हो जाएगी। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला पॉइंट यहाँ पे
करेक्ट रहेगा, ये पॉइंट आपका सत्य है। दूसरा पॉइंट कहता है कि अपराधी के सुधार हेतु प्रतिकारी दंड से अधिक का कामना, प्रतिकारी दंड से, देखिए प्रतिकारी दंड है, प्रतिकारी का अर्थ होता है प्रतिकार करने वाला, प्रतिरोध करने वाला, विरोध करने वाला, वही प्रतिकार होता है। वह कार्य जो किसी कार्य को रोकने या दबाने या उसका बदला चुकाने के लिए किया जाता है उसे प्रतिकार कहते हैं। तो बताओ अपराधी के सुधार के लिए प्रतिकारी दंड से अधिक कामना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो सामाजिक सुरक्षा के लिए? सर कोई अनम्यूट है? हाँ म्यूट हो जाइए भाई, प्लीज म्यूट हो जाइए, प्लीज म्यूट हो जाइए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अपराध के सुधार के लिए प्रतिकार दंड से अधिक कामना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं सर जी, ये स्टेटमेंट टोटली सत्य है। पॉइंट नंबर सी, सामाजिक सुरक्षा समस्याओं के पहले से समस्या, सामाजिक सुरक्षा समस्याओं का पहले से अनुमान लगाना और निदान का प्रयास करना, क्या सामाजिक सुरक्षा की आधुनिक संकल्पना की इमारत में एक प्रकार का विचार हो सकता है? सर जी सर, अनुमान लगाने बिल्कुल हो सकता है। अब सुनिए पॉइंट नंबर डी, मनुष्य के साथ केवल, केवल मनुष्य के साथ, सुनिएगा, मनुष्य के साथ केवल मानवीय व्यवहार किए जाने की संकल्पना के संवर्धन और उसकी सुरक्षा का प्रयास करना चाहिए। यानी मानवीय व्यवहार के संकल्पना का संवर्धन और उसके सुरक्षा का प्रयास करना चाहिए, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? सर नहीं, अगर ओके म्यूट हो जाइए, मैं बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कहा कि केवल मनुष्य के साथ, यानी आप समाज में और भी लोग जो हैं और भी जीव जंतु है उसके साथ आप प्रतिकार व्यवहार करेंगे, है ना, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ सभी लिखना चाहिए था, केवल मानवीय व्यवहार को नहीं संवर्धन करने की बात होनी चाहिए थी भाई। सामाजिक सुरक्षा अगर आप बात कर रहे हो आधुनिक संकल्पना में तो सभी की बात करना चाहिए था। तो ऑप्शन डी आपका गलत है, यहाँ पहला ऑप्शन आपका सही है, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, तो प्रश्नों के पॉइंट पर विचार करके आप प्रश्नों को सत्य कर सकते हैं। ये था, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन आपके विचारों पर आधारित था, आप सोच किस तरीके से। देखिए समाजीकरण की संकल्पना मैं पढ़ा चुका हूँ, पर सर एक बात बताएं, इसमें जो पहले वाला पॉइंट था उसमें पश्चाताप को लेके बात की हुई थी, बट आपको कैसे पता चलेगा ना सामने वाले को पश्चाताप है या नहीं है? नहीं मैडम, देखो समाज में पहली बात जब आप पढ़ रहे हैं तो हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण देखना पड़ेगा, और इसका तात्पर्य अगर मैं आपसे बात करूं कि समाज के संरक्षण हेतु प्रायश्चित दंड से अधिक सरोकार हो सकता है, हम समाज को अगर बात करें और उसे सक्षम बना सकते हैं यदि ये प्रक्रिया प्रायश्चित दंड शामिल होती है तो, है ना, क्योंकि ये देखिए वही चीजें हैं, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी इसके बारे में कि प्रायश्चित बेसिकली की गई गलती के द्वारा एक प्रकार का सुधार करना होता है, और सामाजिक सुरक्षा की प्रक्रिया में बात हो रही है तो अपराध के सुधार के लिए या सुरक्षा की बात करेंगे, समाज के संरक्षण के लिए सुरक्षा की बात करेंगे, सामाजिक सुरक्षा की बात करेंगे, यहां उनकी बात तो होगी होगी, इसमें कोई दो राय। प्रायश्चित दंड जो है एक प्रकार से आपको क्षतिपूर्ति दर्शाती है, आपने कोई गलती किया आपने किसी का नुकसान किया तो आपको उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, और क्षतिपूर्ति एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और क्षतिपूर्ति एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा को रिप्रेजेंट करती है, समाज को संरक्षण को बताती है। हमने गलती किया तो हमें उसकी हमें प्रायश्चित नहीं करना चाहिए क्या? हमने अगर गलती किया जी सर, तो इसी प्रक्रिया में ये देखो समाज के अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस प्रतिक्रिया में आपको पॉजिटिव विचारों को रखना है। कभी भी एग्जामिनर नहीं कहेगा कि सोशल वर्क, अगर मैं ही पेपर बनाऊंगा आप पेपर बनाओगे, कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि हम निगेटिव शब्दों को डालें कि हम अच्छा निगेटिव शब्द डालने का मतलब हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही केस आया सर यूपी में, एक लेडीज ने अपने नवजात शिशु को मार दिया गला घोट कर और फिर उसको होश आया तो उसने कंप्लेंट में खुद के नाम लिखवाई कि मैं आगे आने वाले जीवन में नहीं करना चाहती हूँ, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ और मुझे मैं सरेंडर करना चाहती हूँ। तो अभी फिलहाल वो वहाँ जेल में है, मुझे 3 साल की सजा मिली है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, देखो ये भी एक प्रकार से वही प्रक्रिया हुई, तो समाज की सुरक्षा के लिए बढ़िया एग्जांपल पूनम ने दिया भाई, है ना।
ठीक है, इससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, एक आप देखिए समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन एक सतत प्रक्रिया है। अच्छा ये बात सभी, ये तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है लेकिन आप ध्यान रखिएगा, सतत प्रक्रिया है। इसका परिणाम जानते हो क्या होता है बताइए? सामाजिक नियंत्रण होता है, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्तित्व या सशक्तिकरण? सामाजिक नियंत्रण। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। इसका परिणाम होता है और वो होता है व्यक्तित्व। हाँ, एक बच्चे के वयस्क हो जाने पर समाजीकरण बेसिकली समाप्त हो जाता है और संस्कृति का आंतरिकरण पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहता है। तो संस्कृति के आंतरिकरण के माध्यम से समाज स्वयं को कायम रखता है। अब समाज के सदस्य अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं तो इस प्रकार समाज का अस्तित्व बना रहता है। तो उस प्रक्रिया में ये नहीं कि सामाजिक कंट्रोल है, इस प्रक्रिया में समाजीकरण अगर सतत प्रक्रिया है तो उसका परिणाम बेसिकली व्यक्तित्व विकास है, पर्सनैलिटी है। क्या है उसका? व्यक्तित्व विकास। तो मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार करेगा। सुनिए बात को, समाजीकरण की परिभाषा है ना, मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार करेगा, रीति रिवाज गतिविधियां इत्यादि को सीखता है समाज के द्वारा ही। तो उसका डेवलप क्या हुआ, व्यक्तित्व डेवलप हुआ या सोशल कंट्रोल डेवलप हुआ? सर व्यक्तित्व। बिल्कुल, जब व्यक्तित्व, आप जानते हो समाजीकरण की परिभाषा कि समाजीकरण का मतलब रीति रिवाज परंपरा संस्कृति गतिविधियां इत्यादि को समाज से सीखता है, तो इसका मतलब है कि उसका पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। तो ऑप्शन सी को लगाइए ना, ऑप्शन सी सत्य है, पर्सनालिटी सही है। फैक्ट जीवन रहती है ना समाजीकरण की प्रक्रिया। जी क्या करें, फिर से रिपीट प्लीज। ये समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। हाँ, समाजीकरण बिल्कुल इंसान सीखता ही रहता है। समाजीकरण भविष्य अगर बात करा जाए इसकी, तो समाजीकरण एक ऐसी शब्द है जो बेसिकली जीवन पर्यंत चलता है ना, इंसान सीखता रहता है। यानी सर अपने पूरे जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई बदलाव करता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, समाजीकरण की विशेषता मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को बताया है, उस समाजीकरण की विशेषता में जीवन प्रेम चलने वाली एक प्रक्रिया बताई गई है समाजीकरण की, मैंने साफ शब्दों में आपको बताया वहाँ पे इसकी विशेषताओं में। जी सर, व्यक्ति का जब समाजीकरण हो जाता है तो सर सामाजिक कंट्रोल भी तो होगा। समाज कंट्रोल, सर आप जैसे कंट्रोल तब कहते जब कोई कंडीशन हमारे सामने प्रस्तुत होती नकारात्मकता का भाव। लेकिन समाजीकरण शब्द एक सर ऐसा है जैसे नवजात शिशु मात्र एक जीव होता है, समाजीकरण उसे समाज के प्रति उत्तरदायी बनाता है। तो कहने का मतलब समाजीकरण ये सर कि उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, सोशल कंट्रोल बात की बात है। समाज में अगर असामाजिक व्यवहार अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसके लिए एक टेक्निक एक मेथड वगैरह संचालित होते तो हम कहते कि उस मेथड के माध्यम से हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल वाली बात। परिणाम ये नहीं निकलता कि समाजीकरण का ये रिजल्ट होगा क्या कि हमने सोशल कंट्रोल किया, नहीं। समाजीकरण से ये होता है कि वहां पे जो निष्कर्ष या रिजल्ट या परिणाम निकलता है उसका पर्सनालिटी डेवलप होती है, उसका व्यक्तित्व डेवलप होता है। ठीक है, वहां पे ये चीजें होती है। तो मेरा क्या ये आप लोग का सार्वभौमिक सत्य पर आधारित है कि समाजीकरण का जो परिणाम है वो व्यक्तित्व ही है, ना कि सशक्तिकरण और ना ही सोशल कंट्रोल, ना ही सोशल कंट्रोल। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा जी सर। समाजीकरण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, किसी बच्चे ने कहा जब कोई बच्चा वयस्क हो जाता है तो वह या समाप्त नहीं होता कि एक बच्चे के वयस्क हो जाने पर समाजीकरण उसका समाप्त हो जाए। अब समाजीकरण उसका अगर समाप्त हो गया, समाजीकरण एक पॉजिटिव प्रक्रिया है ना, एक पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक सर की बात बता रहा हूं। अगर मान लीजिए उसका कंट्रोल समाप्त हो गया, एक बच्चे का वयस्क हो जाने पर समाजीकरण अगर उसका समाप्त हो जाएगा तो वो समाज में असामाजिकता का व्यवहार कर देगा। जब समाज में असामाजिकता वाला व्यवहार करेगा तो उसको हमें कंट्रोल करने के लिए विधि और टेक्निक जैसा यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें वहां पे समाजीकरण करना, हाँ वहां पे उस व्यक्ति को पुनः समाजीकरण की प्रक्रिया में लाओगे, ये बात सत्य है।
कंट्रोल के लिए समाजीकरण लाओगे, ये सत्य है। ये नहीं कि समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है तो उसका परिणाम सोशल कंट्रोल है, ये नहीं है। कंट्रोल के लिए समाजीकरण ला सकते हो, समाज में उससे स्वयं करने पर बल दे, समाज से उससे अच्छी अच्छी बातें करने के लिए एक अनुभव का एक अवसर प्रोवाइड करें, इस तरीके की चीजें कर सकते हैं, वहां पर ही होता है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा इसका। अगला सवाल देखिए, समूह प्रोत्साहनों की हानियां क्या हैं? कल पढ़ेंगे ग्रुप वर्क। अच्छा, अभी मैं क्लास समाप्त होने के बाद आप लोग लिप्त मत होइएगा, ठीक है? सभी लोग लिप्त नहीं होंगे, लगभग 33 बच्चे हैं, ठीक है, ज्वाइन रहिएगा। मैं एक स्टेटमेंट आपको एक चीज बताऊंगा, सुनिएगा। समूह प्रोत्साहनों की हानियां क्या है? हानियां का मतलब होता है कमी ढूंढिए, कमी ढूंढना है। प्लीज एक बार अपने विचारों को रखिए, फिर मैं अपने विचार रखता हूं। प्लीज सर, इसका पहला सही हो जाएगा, कहां प्रयोजन से पूर्ति में पर्याप्त रूप से सतर्क नहीं हो सकता। अच्छा जी, और सर लिप की कार्य में कमी भी होगी सर। अच्छा जी, देखो आप सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूं, समूह प्रोत्साहन कार्यक्रम ऐसे पुरस्कार कार्यक्रम है जो संगठनात्मक प्रदर्शन के पहले स्थापित स्तरों को पूरा करना या उससे अधिक करने वाले कर्मचारियों के समूह को एक मुक्त, एक टाइम ऑफ पुरस्कार या एक अनौपचारिक मान्यता प्रदान करना। कहने का तात्पर्य सिंपल है कि आप पुरस्कार के माध्यम से उसे पथ प्रदर्शित कर रहे हो, या आप वहां पे एक जुटता की बात कर रहे हो। यह समूह प्रोत्साहन होता है, समूह को मोटिवेट करने के लिए ताकि सभी लोग समूह में ही काम करें, ताकि कार्य को और आगे बढ़ाया जा सके, ये भूमिका है। अब सिंपल बात यह है कि यह पूछा उसकी कमी, कमी का मतलब था उसकी चुनौतियां, उसकी हानियां, ये रिप्रेजेंट हुई। तो पहला पॉइंट कहा कि प्रोत्साहन प्रयोजन की पूर्ति में पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं हो सकता है। अब सुनिए, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि समूह प्रोत्साहन की हानियां बेसिकली सभी को सशक्त बनाए। हाँ भाई, आप देखो ग्रुप में एक लोग तो नहीं, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति यूनिक है, उसके विचार भी यूनिक हैं। तो प्रोत्साहन प्रयोजन की पूर्ति में पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं हो सकता है। आप अगर कहो कि सभी लोग सशक्त बन जाएंगे, या क्या कहना उचित रहेगा भाई? कई लोग तो जरूरी है। मेरे पास अगर मैं बात करूं आप लोगों से अपने जैसे ग्रुप की, हमारे ग्रुप में लगभग, अगर यूजीसी नेट की वाले ग्रुप की बात करता हूं, इसमें 97 मेंबर हैं। अब 97 स्टूडेंट, अगर आपसे ये कहो कि मेरी बातें सभी को समझ में आती है, या ये मैं कहूं कि मेरे बच्चे सारे क्रैक कर जाएंगे एग्जाम में, तो ये कहना उचित तो नहीं है, है ना? ये ग्रुप एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं। तो प्रोत्साहन प्रयोजन की पूर्ति में पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं हो सकता, ये बात सत्य है, पर हानियों के रूप में सत्य है, यह हानियों के रूप में सत्य है। एक कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये लिपि कार्य में कमी। अच्छा, ये बता सकते हो आप लिपि कार्य में कमी? लिपि कार्य में कमी यानी रिडक्शन ऑफ, अगर मैं बात करता हूं क्लियरिकल वर्क या क्लर्क वर्क, क्लर्क का मतलब बोलते हैं लिपिक, क्लरिकल, हाँ क्लरिकल, तो आप यहां पे क्या कह सकते हो सर? जो वो क्लरिकल वर्क होता है लिखने पढ़ने वाला बेसिकली, उसमें कमी होगी। देखो मैं आपसे यहाँ पे प्रश्न ये नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि समूह प्रयोजन की हानियां क्या है, तो क्या लिपि कार्य में कमी दर्शाता है ग्रुप प्रोत्साहन के लिए? पहली बात ये है। अच्छा, कितने लोग लिपिक, लिपिक का मतलब समझ रहे हो, लिपिक कार्य का मतलब समझ रहे हो? बताओ लिपिक कार्य। अरे भाई, आम तौर पे जैसे टाइपिंग जैसे दोहराए जाने वाले कार्य को शामिल करता है, प्रशासनिक कार्य में निर्णय लेना शामिल होता है, वही लिपिक कार्य कहलाता है। प्रशासनिक कार्य में तो कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना हो गया,
लिपिक कर्मचारियों के बारे में सोचने या विभिन्न प्रकार के कार्य करके कार्यालय को चला लो जो है स्टार्ट करने के रूप में रखने की भूमिका में, वहां पे लिपिक कार्य का नाम आता है ना। तो मैं कह रहा हूं लिपिक कार्य में कमी, और लिपिक कार्य में कमी ग्रुप प्रयोजन या ग्रुप प्रोत्साहन में देखने को मिलता है, और ये बात सत्य है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं डिसएडवांटेज के अंतर्गत ग्रुप जो है इंसेंटिविस, इंसेंटिविस का मतलब एक प्रकार से आप प्रयोजन कह सकते हो या आप ये कह लीजिए प्रोत्साहन कह सकते हो, इंसेंटिव एक प्रकार से आप बोल सकते हो, प्रोत्साहन देने वाली वस्तु, प्रोत्साहन देने वाली वस्तु, प्रेरक एक प्रकार का। तो बताइए लिपिक कार्य में कमी हानियां होगी या लाभ होगा? हानि होगी। और यहाँ पे देखो समूह प्रोत्साहन के लिए लघुत्तर प्रशिक्षण, देखो ग्रुप वर्क अगर है या समूह मोटिवेट कर रहे हो, आप इंसेंटिव की बात कर रहे हो, तो उस समय छोटे समय के लिए ट्रेनिंग दे सकते हो, बोलो यस दे सकते हो। हाँ भाई होता है, दे सकते हैं छोटे सकते समय के लिए, मिनट्स रख लिया, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए काम कर लिया तो फटाफट ट्रेनिंग कर देते हैं, ये है आपका। तो यहाँ सवाल है कि समूह प्रोत्साहन की हानियां क्या हैं? अब समूह प्रोत्साहन की हानियां बेसिकली ये देखिए पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट की है, हानियों के रूप में मैं नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, यहाँ समूह प्रोत्साहन के रूप में ले रहा हूं लघु प्रशिक्षण काल का, ये चीजें चलती है, यह हानियों के रूप में नहीं होता है, छोटे समय के लिए होता है, हो सकता है वो भी सक्षम तरीके से। कर्मियों के बीच में बेहतर सहयोग की बात भी अगर आप मोटिवेट करोगे तो बेहतर सहयोग भी मिल सकता है। सक्षम कार्यकर्ता की अक्षमता के लिए दंडित किया जा सकता है। सूक्ष्म कार्यकर्ता, समझ रहे हो, समझने का प्रयास करिए, है ना। और कहा आपसे क्या कि सक्षम कार्यकर्ता को अक्षमता के लिए दंडित किया जा सकता है सर, किया जा सकता है भाई, हटा सकते हो, निकाल सकते हो, बिल्कुल। आप अगर मान लीजिए किसी कार्य को अगर आपने वहां पे निगेटिव परिपेक्ष में रिलेट कराया है, तो आपने कोड ऑफ एथिक्स को माना नहीं है, आपने असामाजिकता का व्यवहार किया है, तो थोड़ी ना आपको उस ग्रुप में रखा जाएगा, आपको हटा दिया जा सकता है। तो सक्षम कार्यकर्ता को अक्षमता के लिए दंडित किया जा सकता है, और ये प्रक्रिया बेसिकली हानियों के रूप में नहीं है। अब बहुत बच्चे इसको हानियों में रख देते होंगे जो कि पॉइंट नंबर 4 का, और सही जवाब बेसिकली अगर मैं बात करता हूं केवल और केवल अगर मैं जिक्र करूंगा इस प्रश्न का पहला और दूसरा पॉइंट आपका सही होगा, और जैसा कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर पहले में लिखा हुआ है ए और बी, ये पॉइंट आपका सही जाएगा, ठीक है। पॉइंट अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए सवाल, आसान सा सवाल, निम्नलिखित में से विश्व के किस देश में उद्योगों के सामाजिक उत्तरदायित्व की अनिवार्यता हेतु विधान पारित किया है? सर भारत में। भारत से। यदि आप कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज का नाम दे रहे हैं ऑफ द वर्ल्ड के आधार पर, और वो भी पास लेजिस्लेशन करके, मेकिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी अगर हम बात करेंगे, तो यहां पर अगर आपने इंडिया का नाम लिया है तो इसका मतलब है कि आपने ऑप्शन का सही चुनाव किया है। सर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यूजीसी में, रिपीट है, बहुत बार आता है ना, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ये आपको बता दूं ये एक सीएसआर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीएसआर कहते हैं, और सीएसआर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बता सकते हो आप लोग? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात आप बता रहे हो। मैं आपको ये बताना उचित यहाँ पे समझूंगा कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत, सीएसआर के अंतर्गत जब इस तरीके की भूमिका आप सभी से परीक्षा में पूछी जाए, तो 1 अप्रैल 2014 को भारत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को कानूनी रूप से अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था, है ना, पहला देश बन गया था। ये बात आपको ध्यान रखना होगा सीएसआर के संबंध में, बताइए एक बार क्लियर रहेगा? जी सर। अच्छा एक चीज और समझने का प्रयास करिएगा सीएसआर के ही अंतर्गत,
अंतरराष्ट्रीय निजी व्यवसाय स्वनियामक का एक रूप है जिसका उद्देश्य व्यावसायिक सेवा समाज स्वयं सेवा में संलग्न होकर उसके साथ जुड़कर या उसके समर्थन करके परोपकार कार्यकर्ता और धर्मार्थ प्रकृति के सामाजिक लक्ष्यों में योगदान करने की जो भूमिका होती है वह भी भूमिका सीएसआर का ही माना जाता है। सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी इसी को ही कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आप सभी लोगों को सीएसआर के संबंध में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सीएसआर क्या होता है? सामाजिक जिम्मेदारी। किसी कंपनी या व्यक्ति पर ऐसे निर्णय या कार्य करने का नैतिक दायित्व है जो समाज के पक्ष में और उपयोगी है। समाज के पक्ष में और उपयोगी भी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इसके कितने टाइप होते हैं? इसके लगभग चार प्रकार के जो है रिप्रेजेंट किए गए हैं टाइप। जैसे कि प्रकारों में सवाल हमसे पूछा जाता है, मैं आपसे बताना चाहूंगा एक प्रकार इसका बनता है आर्थिक दायित्व, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा अगर हम बात करें कानूनी जिम्मेदारी, तीसरा अगर मैं बात करता हूं नैतिक उत्तरदायित्व, चौथा अगर मैं बात करता हूं विवेकाधीन, ये आपके परीक्षा में सवाल बन सकते हैं। ये होते क्या है मैं आपको बताता हूं। सामाजिक उत्तरदायित्व के विभिन्न प्रकार होते हैं, परंतु जिनमें से मैंने चार आपको बताया है उनमें एक आर्थिक बताया है। प्रत्येक व्यवसाय आर्थिक गतिविधियों में लगा हुआ है, इसका मतलब आर्थिक वाला पॉइंट होगा। इसलिए प्रत्येक व्यवसाय की प्रमुख सामाजिक जिम्मेदारी होती है आर्थिक जिम्मेदारी होना। ठीक है, इसलिए उन्हें ऐसे उत्पाद और सेवाएं बेचनी चाहिए जो समाज की आवश्यकता को पूरा करे। बात को ध्यान रखिएगा, वही होता है आर्थिक जिम्मेदारी। दूसरा होता है कानूनी जिम्मेदारी। कानूनी जिम्मेदारी कंपनी को किसी देश कंपनी को देश के राजनीतिक और कानूनी माहौल का पालन करना चाहिए। कंपनी को पर्यावरण की सुरक्षा पर विचार करना चाहिए, इसलिए कानूनी जिम्मेदारी भी यहां पर एक अहम भूमिका निभाती है। नैतिक जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व, इस प्रकार की जिम्मेदारी कंपनी में एक निश्चित प्रकार के व्यवहार या आचरण का अपेक्षा की जाती है, इसलिए नैतिक उत्तरदायित्व होता है। या व्यवहार कानून द्वारा प्रलेखित नहीं किया जाता है, कोड ऑफ एथिक्स वाली भूमिका यहाँ पे लागू होती है, इसलिए नैतिक उत्तरदायित्व भी यहाँ पर माना जाता है। विवेकाधीन या प्राकृतिक आपदा, गरीबी, लोगों की मदद आदि के मामलों में संस्थाओं द्वारा किया गया एक स्वैच्छिक कार्य होता है जो विवेकाधीन को रिप्रेजेंट करता है। धर्मार्थ योगदान हो गया, शिक्षा गतिविधियां हो गई आदि प्रदान करके उसकी मदद किया जाता है, यह भूमिका एक विवेकाधीन उत्तरदायित्व को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? इधर स्पष्ट करेंगे। जी सर। ओके, चलिए। अच्छा, अभी तो भाई यहाँ पे शेयर नहीं हुआ लिंक वगैरह? नहीं सर, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, अब नहीं आ रही, अब नहीं है कोई ऐसी प्रॉब्लम। चलो फिर, मुझे लगा कोई बच्चे अनजान में कर दे रहे हैं, आपस के ही क्लास में बच्चे हैं। भाई अगर आप क्लास ले रहे हो तो सेटिंग को बिल्कुल छेड़ो ना, आप क्लास ले रहे हो तो आप आसानी से। जी आज से पहले न्यू आना सर, अनजान में कुछ नहीं कर रहा होगा। चलिए अच्छा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न परीक्षा में रिपीट होता है। 106 कहता है कार्य विश्लेषण, कार्य मूल्यांकन, कार्य विशेषीकरण, कार्य विवरण, ये आपके सामने क्वेश्चन सूची वन में, सूची टू दिया गया है, उसको हमें क्या करना है, रिलेट कराना है उसको व्याख्या के साथ। जरा एक बार इसका जवाब बताइए कि जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब स्पेशलाइजेशन या कह लीजिए और जॉब डिस्क्रिप्शंस, ये है। आप सिंपल बात में बताता हूं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। अगर मैं आपसे बात करता हूं कार्य विश्लेषण के बारे में, तो किसी कार्य के विषय में सूचना संग्रहित करने की एक प्रक्रिया है कार्य का विश्लेषण। कार्य का विश्लेषण, तो इसलिए आप कहिएगा कि किसी कार्य के विषय में सूचना संग्रहित करना जॉब एनालिसिस होगा, कार्य विश्लेषण यही कहलाता है। कार्य विश्लेषण विभिन्न कार्यों का पूर्णता अध्ययन करके प्रत्येक कार्य को संपादित करने के लिए आवश्यक योग्यताओं को स्पष्ट करता है, यह होता है कार्य विश्लेषण।
तो एक अध्ययन या अवलोकन की प्रक्रिया है कार्य विश्लेषण, जिसके द्वारा किसी कार्य के संबंध में व्यापक जानकारी प्राप्त की जाती है, वही कहलाता है कार्य विश्लेषण, वही कहलाता है कार्य विश्लेषण। इसलिए विश्लेषण तो होगा ना कि हम देखते हैं कि सूचना कोई सही है या गलत है उस विषय के बारे में ना, तो उसका विश्लेषण होता है, मतलब एक तरह से बोला जाए तो जांच करना करके। हाँ, आप देखो कार्य विश्लेषण बेसिकली क्या होता है कि कार्यों को सही तरीके से संपादित करना, निष्पादन करना, है ना। तो कार्य विश्लेषण के अंतर्गत जो है कई विषयों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है, तो किसी कार्य के विषय में सूचना संग्रहित करने की प्रक्रिया को कार्य विश्लेषण कहते हैं। कार्य विश्लेषण निम्न विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे जॉब टाइटल जिसको बोलते हो कार्य नामांकन, अल्टरनेट टाइटल नामों के विकल्प, विभिन्न क्रिया उपकरणों मशीनों, प्रत्येक क्रिया का समय अवधि घंटे मिनट इत्यादि में, शैक्षिक अनुभव उपेक्षा, आंखों का कितना इस्तेमाल हुआ, संभावित सुविधाएं, रिपोर्ट देना उपभोक्ता, बहुत सारी चीजें हैं, उन सभी विषयों पर बेसिकली इसकी भूमिका होता है। तो कार्य विश्लेषण विषय में सूचना संग्रहित करना, ये विषय में सूचना, ये कीवर्ड है विषय में, ये कीवर्ड है, और इस कीवर्ड का जो रिलेट कराता है यही शब्द रिलेट कराता है, यही शब्द जॉब एनालिसिस है ना, जॉब एनालिसिस। इसका मतलब होता है कि मानवीय आवश्यकताओं के साथ साथ उस संदर्भ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, विश्लेषण करने की प्रक्रिया जिसमें नौकरियां की जाती हैं, इस प्रक्रिया में बेसिकली इसको यूज में लाया जाता है। ठीक है, ये होता है जॉब एनालिसिस। एक होता है जॉब इवैल्यूएशन, हम इसको बोलते हैं जॉब इवैल्यूएशन मेथड भी, दो टाइप का होता है, एक नॉन एनालिटिकल होता है, एक एनालिटिकल होता है। एनालिटिकल में फैक्टर कंपैरिजन मेथड होता है और पॉइंट रैंकिंग मेथड होता है एनालिसिस में, और नॉन एनालिटिकल में रैंकिंग मेथड होता है और जॉब ग्रेडिंग मेथड होता है। हालांकि कार्य विश्लेषण किसी कार्य के विषय में सूचना को एकत्र करना, अब सुनिएगा मैं आपसे कार्य विश्लेषण की बात कर रहा था, किसके रूप में, किसी विषय के सूचना के बारे में इकट्ठा करना, लेकिन जब बात करेंगे कार्य मूल्यांकन को, किसका, इवैल्यूएशन का, समझ रहे हो ना मेरी बात को, कार्य का मूल्यांकन, कार्य का मूल्यांकन, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए सर, जब कंपेयर करते हैं अपन, मतलब हाँ कंपेयर तो बिल्कुल होगा, लेकिन मूल्यांकन में समुचित वेतन दर के निर्धारित हेतु किसी संगठन के किसी कार्य को दूसरे कार्यों के आधार पर तुलना करना। हम मूल्यांकन कब करते हैं भाई, किसी चीज की जानकारी लेने के लिए मूल्यांकन करते हैं ना। कार्य मूल्यांकन कार्य विश्लेषण की उपलब्धि को संदर्भित करती है कि नहीं करती, बताइए, करेगी। कार्य मूल्यांकन बेसिकली, हाँ कार्य मूल्यांकन बेसिकली होता क्या है, कर्तव्य को पूरा करता, आधिकारिक संबंधों को एक प्रकार से अपेक्षित कार्य परिस्थितियों और अन्य जानकारियों का विश्लेषण करता है कार्य मूल्यांकन। कार्य मूल्यांकन की एक परिभाषा है, ध्यान रखिएगा, कार्य मूल्यांकन एक प्रयास है जो कार्यक्रम के प्रत्येक कार्य का मूल्यांकन करता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि प्रतिष्ठान में किसी कार्य के लिए उचित वेतन क्या है। और मैं आपको बता दूं, उचित वेतन, उचित भुगतान या लेखा जोखा, ऐसे शब्द अगर रिलेट होते हैं, वेतन, लेखा जोखा और मजदूरी का भुगतान, ऐसे शब्द रिलेट होते हैं, तो कार्य मूल्यांकन को परिभाषित करता है वो। कार्य मूल्यांकन कार्य विश्लेषण का उत्पाद है, कार्य का मूल्यांकन करने का प्रयास व्यक्ति का नहीं है, या वेतन निर्धारित हेतु आवश्यक और तथ्यात्मक सूचना उपलब्ध कराता है कार्य मूल्यांकन। कार्य मूल्यांकन वेतन का निर्धारित नहीं करता है, बल्कि उसके लिए आधार तैयार करता है कार्य मूल्यांकन। कार्य का मूल्यांकन व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि विशेष रूप से प्रशिक्षित टीम के द्वारा किया जाता है कार्य मूल्यांकन।
कार्य मूल्यांकन के मूल्य को निर्धारित करता है। उसके अंतर्गत कार्य के संबंध में विभिन्न तथ्यों जैसे योग्यता हो गई, उत्तरदायित्व हो गया आदि का ध्यान रखा जाता है। यह क्रिया प्रक्रिया कार्य मूल्यांकन को प्रस्तुत करता है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट आता है कार्य विशिष्टीकरण। कार्य विशिष्टीकरण का मतलब क्या था, किस चीज को रिलेट कराएंगे? जॉब स्पेसिफिकेशन। जी, स्पेसिफिकेशंस बोला जाता है या विनिर्देशन बोला जाता है इसको। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, स्किल वगैरह आता है। चलिए, किसी कार्य को रोकने के लिए आवश्यक मानवीय योग्यताओं का विवरण मैंने आपको पहले बता दिया था। कीवर्ड अगर आप चाहे तो आप लिख सकते हैं, मैं यहां साइड में कीवर्ड लिखवा देता हूं, एक जॉब विवरण में और एक जॉब विशिष्टीकरण में। तो ध्यान से यहां पे सुन लीजिए, है ना, कीवर्ड। एक तरफ मैं लिख रहा हूं जॉब डिस्क्रिप्शन और एक तरफ मैं लिख रहा हूं जॉब स्पेसिफिकेशन, है ना, केशन। सुनिए, इसके अंतर्गत और इसके अंतर्गत, जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब विवरण में जॉब टाइटल आता है, जॉब लोकेशन आता है, जॉब समरी आती है, रिपोर्टिंग आता है, रिपोर्टिंग आता है, ये सब कीवर्ड हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन आता है, एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस आता है, इसमें ट्रेनिंग आती है, ट्रेनिंग आता है, इसमें स्किल आता है, इसमें इमोशनल इमोशनल लक्षण आते हैं, इमोशनल फीचर आता है, ठीक है, ये है। अब सवाल में देखिए, एक बार इधर देखिए, तो कहा है क्या, किसी कार्य को रोकने के लिए मानवीय योग्यता का विवरण, तो जाहिर सी बात है इसका पहला रिलेट होगा। और कार्य जब विश्लेषण की बात या विवरण की बात करेंगे तो एक उपकरण जो किसी पद के टास्क, कर्तव्य, प्रकार और दायित्व का वर्णन कर रहा हो, उसके उसके अगर मैं बात करूं टाइटल का, उसके लोकेशन का, उसके समरी का, उसके रिपोर्ट का या वर्किंग कंडीशन को, जॉब ड्यूटी को, उसके अगर मैं बात करूं तो इस कंडीशन में जॉब ड्यूटी, वर्किंग कंडीशन, रिपोर्टिंग, लोकेशन, समरी, टाइटल इत्यादि, कर्तव्य, टास्क, ये सभी कार्य विवरण को रिप्रेजेंट करता है। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं जॉब एनालिसिस, कार्य विश्लेषण। और इसी प्रक्रिया में हम लोग जो है इसका नाम देखते हैं कार्य विश्लेषण का, है ना, कार्य विश्लेषण का ही नाम हम इसके अंतर्गत देखते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, मानव संसाधन कार्य प्रणाली है, और मानव संसाधन कार्य प्रणाली के ही अंतर्गत इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से कार्य विश्लेषण आ गया आपका। ये जो चार आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं, यही चारों का नाम यूज होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, परीक्षा में इससे सवाल आया हुआ है कई बार, आगामी परीक्षा में भी हो सकता है ये सवाल बनाए आप लोगों के। आवाज वगैरह क्लियर है, एक बार स्पष्ट करेंगे? जी सर, क्लियर है। अब देखिए, निम्नलिखित किसे रक्षा तंत्र माना जाता है? सिगमंड फ्रायड की रक्षा तंत्र अगर पढ़े हो तो सही जवाब दे सकते हो, और मैंने आपको पढ़ाया भी है, बताइए। सर, विस्थापन। बस एक ही सर, आनंदीकरण, विस्थापन, क्षतिपूर्ति, एक युक्तिकरण, युक्तिकरण। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी। देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, हम सभी लोगों ने,
अगर बात कर, एक मिनट दिखा रहा हूं, अस्वीकृति, एक पूरा ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, एक शब्द यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं रक्षा तंत्र में, तो एक शब्द आता है अस्वीकृति। क्या अस्वीकृति या नामंजूरी जैसा शब्द, रिजेक्शन जैसा शब्द, क्या अस्वीकरण एक रक्षा युक्ति के रूप में आता है या नहीं आता है? सर नहीं आता। आप कह रहे हो कि नहीं आता है, अच्छा, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, निम्न में से किसे रक्षा तंत्र माना गया है, किसे रक्षा तंत्र माना गया है? तो मैं आपको बता देता हूं कि जो एक शब्द, इसकी इंग्लिश ध्यान दीजिएगा सर, अस्वीकृति आता है, आनंद नहीं आता। हाँ, जो परित्याग है, जिसको अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, रिजेक्शन, ये एक शब्द है। इस शब्द को आप लोगों ने, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा, हाँ, अस्वीकृति जैसे शब्द को नहीं सुना होगा, लेकिन इस जैसे शब्दों को अगर मैं बात करता हूँ, रिजेक्ट जैसे शब्द को, जो व्यक्ति जो अस्वीकार करता है, एक व्यक्ति जो अस्वीकार करता है, सिंपल बात है, अस्वीकार किसी ऐसी चीज से इनकार, इनकार या अस्वीकृति जिस पर दावा करने का अधिकार है, उस कंडीशन में। मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को एक शब्द दिया था, तो वहां पे लिखा था इनकार। हाँ सर, इसको इंग्लिश में डिनायल भी कहते हैं। हाँ, डिनायल भी कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब, डिनायल कहते हैं। तो उस कंडीशन में या अस्वीकृति है, किसी ऐसी चीज से इनकार या अस्वीकृति जिस पर दावा करने का अधिकार है ना, विशेष रूप से। तो किसी हित या संपत्ति को स्वीकार करने से त्याग या औपचारिक इनकार है ना, उस कंडीशन में इसको देखा जाता है, और यह एक प्रकार की रक्षा युक्ति या रक्षा तंत्र है। पहला पॉइंट सत्य है। दूसरा पॉइंट आनंद, दूसरा आनंद, आनंद हैप्पी, खुशी ऐसा कहते हैं हम लोग, जो कि रिलेट नहीं होता है, रिलेट नहीं होता है। युक्तिकरण, युक्तिकरण मैंने आपको पहले बता रखा है, रेशनलाइजेशन शब्द को हम लोग रिलेट कराते हैं, यही ना मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। हाँ सर, और उम्मीद है कि आप शायद जानते भी इसके बारे में है, युक्तिकरण है क्या चीज, ये किस चीजों को प्रस्तुत करता है, किसी चीज को तार्किक रूप से सुसंगत प्रणाली में व्यवस्थित करना ही युक्तिकरण कहलाता है। बिल्कुल, यानी ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। फिर एक शब्द आता है डिस्प्लेसमेंट, मैंने पढ़ाया था कि जो चीज जहां से स्टार्ट होती है पुनः वहीं से शुरुआत होती है, तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बताया था। किसी वस्तु हस्तांतरित हो गई है या विस्थापित हो गई है, तो उस कंडीशन में विस्थापन शब्द हम रिलेट कराते हैं, किसी वस्तु को स्थान में भी कह सकते हैं। हाँ, उचित भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट का संदर्भ वो भी रिलेट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट है ना, ये भी शब्द होगा। तो यहाँ बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ, सिंपल सी बात है, किसी चीज को मूव करने की बात कर रहा है ना, किसी चीज को बदलने की बात कर रहा है, तो बेसिकली व्यवहार आप बदल रहे हो किसी को देखकर उस क्रिया में, तो वह भी स्थापन का पार्ट होता है। एक शब्द आता है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति भी आपको मैंने पहले बता रखा है, और क्षतिपूर्ति शब्द बेसिकली यूजीसी नेट में आता है मुआवजा करके, है ना, कंपेंसेशन इसको कहते हैं। किसी को आहत करने या किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण दी गई राशि मुआवजा या क्षतिपूर्ति होती है, तो उस कंडीशन में भी ये आता है शब्द। तो आप यहां पर ए सी डी ई को चुनिए, देखिए कहां पर है, थर्ड ऑप्शन सर, ऑप्शन थर्ड है, ऑप्शन नंबर तीन, हाँ थर्ड सी। क्वेश्चन नंबर 108, थोड़ा सा जूम कर दें जी सर। हाँ कर दीजिए सर, वैसे वैसे तो दिख रहा है सही, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब और अच्छे से दिखेगा। देखिए आप बताइए, सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, और सवाल में कहा गया है कि दो कथन है, दोनों कथनों से आपसे कहा गया कि आप इसका सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सवाल क्या कहता है,
कि समूह कार्य चलने वाला है कल, हमेशा दो तरह की गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। अच्छा जी, ग्रुप वर्क दो तरीके की गतिविधियों पर ध्यान देता है, कौन सा दो तरीका है? एक तो कार्यक्रम काम करेगा, एक समूह के सामाजिक संबंध पर। आपको बता दें एचबी ट्रेकर का, अगर आपने ग्रुप वर्क का सिद्धांत अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो लगभग 70% आप ग्रुप वर्क से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। टोटल समझ लो उसके सिद्धांत पर ही सारी चीजें हैं, और उसके सिद्धांत में ये दोनों टाइप के सिद्धांत शामिल हैं, कार्यक्रम का भी सिद्धांत है, समूह में सामाजिक संबंधों का भी है। लेकिन सवाल कहा था ये कि समूह कार्य जो होता है वो हमेशा दो तरीके की गतिविधियों पर कार्य केंद्रित होता है, एक कार्यक्रम और एक समूह के सामाजिक संबंधों पर। कितने लोग इस स्टेटमेंट से सत्य सहमत है कि ये सत्य है? सर सत्य है ये, और दोनों स्टेटमेंट सत्य है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ अगर लिखा है हमेशा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वाला शब्द कभी कभी, मैंने आपको बताया भी है कि केवल शब्द जब आता है तो वो हमेशा कहीं ना कहीं गलत होता है, कभी हमेशा आ जाए तो गलत आता है। लेकिन आप सोचिए, ये सार्वभौमिक सत्यता पर आधारित है। जिस तरीके से सूर्य पूरब में उगता है, ठीक उसी प्रकार से ग्रुप वर्क में भी कार्यक्रम और समूह के सामाजिक संबंधों के आधार पर ही कार्य का संचालन होता है। ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल होती है। हाँ, दूसरी कहता है कि कार्यक्रम की गतिविधियों में समूह कार्यकर्ता सदस्यों की परस्पर अनोन क्रियाओं में मार्गदर्शन देता है, ताकि वे दूसरों के साथ जुड़ सके और विकास के अवसर का अनुभव कर सके। अब देखो, अनुभव मिल गया, ट्रिक है। और मैं आपसे कहूंगा कि यह स्टेटमेंट करेक्ट है कि समूह और कार्यकर्ता सदस्यों के रेसिप्रोकल परस्पर अन्योन क्रियाओं में मार्गदर्शन देते हैं, ताकि दूसरों के साथ जुड़ सके और विकास का अवसर मिल सके और उनको अनुभव हो सके। और इनमें प्रश्न पूछा था, सही उत्तर चुनिए, तो मैं आपको बता दूं पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन केवल इस ऐसे टाइप के प्रश्न को सत्य आप तब कर सकते हैं जब आप रुक रुक के पढ़ेंगे, और परीक्षा में आपको ऐसे करना है। मैं आपको बता दूं, जैसे कहीं डैश मिल जाए, कॉमा मिल जाए, पढ़ते पढ़ते आइए और वहीं पर स्टॉप कर दीजिए, और फिर रुक के एक सेकंड, दो सेकंड, उसके बाद आप आगे बढ़िए। कार्यक्रम, समूह और सामाजिक संबंध, आसानी से प्रश्न आपके उत्तर तुरंत मिल जाएंगे। इसी तरीके से हायर एजुकेशन के एग्जाम को क्रैक करने के लिए यही ट्रिक अपनाई जाती है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं आपको बता दूं यहां पे, यहां आप लोगों को सभी, आपको अगर यहां पता है ये अधिनियम वर्ष के साथ, तो आप ऐसे प्रश्न को सही कर पाओगे, अदरवाइज गलत कर जाओगे। और सबसे बड़ी चीज तो हमें जानना यह जरूरी है कि आरोही क्रम लिखा है, और देखिए यूजीसी नेट ने कितना सरल बना दिया कि आरंभ से हाल के समय तक आरोही का मीनिंग भी समझा दिया है कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि अब तो आप आसानी समझ गए होंगे आरोही और अवरोही है कि नहीं। अरे भाई बोलो तो सही। हाँ, और यदि आप यहां, अगर मैं आपसे कहूं सबसे छोटे से सबसे बड़े, मैंने आपसे कहा कि सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो वह आरोही क्रम, जैसे जीरो वन, हो रही है आपकी, क्यों आवाज स्क्रीन नहीं हो रही? हो रही है भाई स्क्रीन, है ना? ओके, स्क्रीन अच्छा, ये बताइए मेरी आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है, बोलो। अरे सुनीता मैडम या मनीषा, कोई भी बताओ तो सही, मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये बताओ। कट रही है